आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, जिसे हम सेवैया की खीर भी बोलते हैं। इसे छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही अच्छी और क्रीमी होती है खाने में। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने डाला है देसी घी। इसे हमें इतना ज्यादा भी घी नहीं लेना है कि घी ऊपर उसमें तैरने लग जाए। हमने इसमें बादाम रोस्टेड करने, यानी आप इसे ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, हम इसको हम भिगो के भी ले सकते हैं थोड़ी देर गला के पानी में, और इसकी कटिंग करके फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का हल्का करना है हमें रोस्टेड, जिसमें हमने काजू, पिस्ता, चिरौंजी और किशमिश। आप इसमें अपने पसंद के भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसे हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है, इसे हमें जलाना नहीं है, ये मतलब ब्लैक ब्लैक नहीं करना है इसको। और इसे हमें अच्छे से इसकी खुशबू आने तक इसे हमें थोड़ा सा चलाते रहना है। इसको हम इसलिए रोस्टेड कर रहे हैं जिससे कि इसमें जो थोड़ा सा खुशबू सी होती है वो चली जाए इसकी। ये हमने इसे अच्छे से रोस्टेड कर ली है, अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे अपनी सेवैया। ये सेवैया जो है रोस्टेड आती है मार्केट में और ये खीर के नाम से मिलती है। इसे हमें घी में हल्का हल्का रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें जो खुशबू होती है वो भी इससे चली जाती है और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है सेकने के बाद। इसे खुशबू आने लग जाए फिर इसमें हम डालेंगे दूध। ये दूध मैंने 2 गिलास दूध लिया है जो मैंने कटोरी के माप से डाला है। अब इसी में हम डाल देंगे अपने ये ड्राई फ्रूट। इसको इसीलिए हम इसमें दूध, सेवैया और ड्राई फ्रूट डालना है क्योंकि ये हमें ज्यादा नहीं पकानी होती है। अगर हम इसे ज्यादा पकाएंगे तो ये हमारी सेवैया थोड़ी सी हलवे जैसी नहीं तो वो ज्यादा पक जाएंगी। हमें इसे 5 से 10 मिनट ही पकाना होता है। और इसमें हमने डाली है इलायची पाउडर और इसे हमें अच्छे से इसको 1 या 2 उबाली तक लेना है और सेकना है। इसमें हम चीनी का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। तो इसमें हम डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क, या आप कंडेंस मिल्क ले सकते हैं, मिठाई मेड ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इससे एक क्रीमी टेक्सचर आता है खाने में। अगर आप फुल क्रीम दूध दे रहे हैं फिर भी आप इसी मिठाई मेड को ही डालिएगा, बहुत अच्छा आता है टेस्ट। इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, इसमें मैंने केसर डाली है। इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं, कलर इसलिए डाला है कि थोड़ा सा येलोनेश भी आ जाएगा और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छी लगती है जब इसे हम खाते हैं। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर भी आया है और एक बहुत अच्छी बेहतरीन ये खीर बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसे आप ज्यादा नहीं पकाएं, बस हमें 1 या 2 बार उबाली लेके इसे हमें बंद कर देना है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।